ये खबर है, भू माफियाओं में नहीं है बुलडोजर का खौफ। इस वक्त की बड़ी जानकारी, सरकारी तालाब की भूमि पर हो रहा है अवैध निर्माण। मुखिया होटल के पीछे तालाब पर अवैध निर्माण चल रहा है, भू माफियाओं ने अवैध निर्माण किया है। कार्रवाई के नाम पर खेल किया है नोटिस के साथ। विकास प्राधिकरण कार्रवाई कर रही है, करोड़ों की जमीन पर भू माफिया कर रहे हैं अवैध निर्माण। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं। अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई, कानपुर से भू माफियाओं में नहीं है बुलडोजर का कोई खौफ। इस वक्त की बड़ी जानकारी, सरकारी तालाब की भूमि पर अवैध निर्माण लगातार हो रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, मुखिया होटल के पीछे तालाब पर ये अवैध निर्माण चल रहा है, भू माफियाओं ने किया है ये अवैध निर्माण। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कार्रवाई के नाम पर केजीए खेल रहा है नोटिस का खेल। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, कानपुर से आ रही भू माफियाओं में बुलडोजर का खौफ नहीं देखने को मिल रहा। इस वक्त आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, सरकारी तालाब की भूमि पर ये अवैध निर्माण चल रहा है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, मुखिया होटल के पीछे तालाब पर ये अवैध निर्माण लगातार जारी है, भू माफियाओं ने अवैध निर्माण किया। आपको तस्वीरें कानपुर से दिखा रहे हैं। तो फिलहाल केजीए नोटिस का खेल खेल रहा है। शिवराज, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की ये अवैध निर्माण चल रहा है और इस पर किसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे, नौबस्ता के खाड़ेपुर क्षेत्र है जहां पर सरकारी कागजों में देखा जाए तो तालाब की भूमि दर्ज है, सरकारी जमीन है तालाब है। हालांकि अगर मौके पर जाएंगे तो वहां पर तालाब खत्म कर दिया गया है और जो भू माफिया उन्होंने तालाब को जमीन एकदम समतल कर दी है, तालाब को पाट दिया और उसके बाद टुकड़ों में जमीनें बेच रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं। उस पर निर्माण कार्य काफी समय से चल रहा है। क्षेत्रीय लोगों ने कई बार कानपुर विकास प्राधिकरण को शिकायत भी की, लेकिन कानपुर विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई के नाम पर मात्र एक नोटिस जारी किया और नोटिस जारी करने के बाद फिर काट में तेल डालकर बैठ गए हैं। ऐसे कई बार शिकायतें की जा चुकी है, आपको बताना चाहेंगे। हालांकि जब जांच की गई, तहसीलदार ने जांच भी किया है और जांच में रिपोर्ट भी लगाई है कि ये सरकारी जमीन है और इस पर अवैध कब्जा हो रहा, तो कानपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए थी। इन भू माफियाओं के खिलाफ FIR दर्ज करनी चाहिए और जो जमीन कब्जा की गई है वो कब्जे से मुक्त कराना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश है कि जो सरकारी जमीन पर कोई भी कब्जा करता है तो उसको तुरंत खाली कराया जाए और उसके ऊपर ठोस कार्रवाई की जाए, लेकिन कानपुर विकास प्राधिकरण अभी कान में तेल डाले हुए कुमकर्णी नींद में सो रहा है, सिर्फ एक नोटिस भेजकर और खाना पूर्ति करने की कोशिश कर रहा है। शिवराज, आप तो जानना चाहेंगे, जिस तरह तस्वीरें दिख रही है वहां तालाब पे लगभग काफी कुछ निर्माण हुआ दिख रहा है, तो यानी ये लंबे समय से चल रहा था लेकिन फिर भी इस पर कार्रवाई नहीं हुई, जबकि राज्य सरकार इतनी सतर्क है फिर भी इस तरह के अवैध निर्माण लगातार हो रहे हैं। जी बिल्कुल, प्रदेश की बात की जाए तो लगातार योगी बाबा का बुलडोजर चल रहा है, जो अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, सरकारी जमीन कब्जे किए जा रहे हैं, उन पर बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीनें खाली कराई जा रही हैं। लेकिन कानपुर विकास प्राधिकरण की बात की जाए तो मात्र एक नोटिस जारी करके और शांति से बैठ गए, इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। काफी निर्माण हो चुका है, आपको बताना चाहेंगे। वही क्षेत्र के जो कब्जा कर रहे हैं मनोज शुक्ला, पीके शुक्ला और जागेश्वर देवी, ये जो नाम सामने आए हैं जिनके खिलाफ कानपुर विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया। हालांकि नोटिस जारी करने के बाद इनको FIR करानी चाहिए, ठोस कार्रवाई करानी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो कानपुर विकास प्राधिकरण है उनके कार्रवाई पे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है कि किस प्रकार की कार्रवाई है, जब मुख्यमंत्री के सख्त आदेश हैं कि सरकारी जमीनों पर अवैध जो निर्माण है उनको गिराया जाए, सरकारी जमीन खाली कराई जाए, तो कानपुर विकास प्राधिकरण क्या कर रहा है? शिवराज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे अवैध निर्माण में किन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं और क्या इन लोगों के नाम पर नोटिस दिया गया है? जी बिल्कुल, जो अवैध निर्माण तालाब पे जो कानपुर विकास प्राधिकरण ने नोटिस दिया है उसमें मनोज शुक्ला है, पीके शुक्ला है और एक जागेश्वर देवी, तीन लोगों के नाम नोटिस जारी किया। हालांकि एक बड़ा ग्रुप है, एक सिंडिकेट है इस पर जो काम कर रहा है जमीन के कब्जे को लेकर, उस क्षेत्र में और भी कई ऐसी अवैध जमीनों पर कब्जा कर चुके हैं इससे पहले भी, क्योंकि कानपुर विकास प्राधिकरण कुछ ऐसे अधिकारी हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं जिनके संरक्षण में ये सारा कारोबार चल रहा है। आप ये जानना चाहेंगे, जो केडीए ने नोटिस जारी किया है उस नोटिस में शिवराज क्या कुछ लिखा हुआ है? जी, जो नोटिस जारी किया है, नोटिस में निर्देशित किया गया है कि सरकारी जमीन है और इस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, जब तक कानूनी कार्रवाई न्यायालय द्वारा ना हो जाए तब तक इस पर किसी प्रकार का निर्माण ना किया जाए। शिवराज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार नोटिस भी जारी हो रहा है लेकिन कार्रवाई फिर भी नहीं हो रही है, यानी ये सवालिया निशान खड़ा करता है केडीए के ऊपर। जी बिल्कुल, कानपुर विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी उनके ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है कि अभी नोटिस जारी किए हुए भी एक महीना हो चुका है, अभी तक ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जब तहसीलदार ने जांच करके रिपोर्ट भी लगा दी, लेखपाल ने भी रिपोर्ट लगा दी कि सरकारी जमीन और वो तालाब हुआ करता था और सरकारी दस्तावेज भी तालाब दर्ज है, तो फिर कैसे भू माफियाओं ने तालाब पर कब्जा किया और किस प्रकार से वो उस पर निर्माण कार्य कर रहे हैं? चलिए शिवराज।